गाइस इस वीडियो में बात करने वाले WWE अपडेट्स के बारे में। गाइस बात करने वाले हैं ब्रॉक लेसनर के जो प्लेन्स जो एंड मूवमेंट चेंज जो है बहुत सारे उनके बारे में। शार्लेट फ्लेयर ने रिक फ्लेयर की रिटर्न पे कुछ कमेंट किया तो वही बताने वाला हूँ। और हम बात करने वाले हैं रिकॉशेट के न्यू रिकॉर्ड के बारे में और भी अपडेट्स है। तो अगर सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देख लो बिना स्किप किए। अगर आपने स्किप किया तो अगर बहुत कुछ मिस कर जाओगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देता हूँ, शेयर कर देना। चल आज के मार्केट को स्टार्ट करते हैं। अगर जिन लोगों ने मेरी रॉ वाली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा केविन ओवेंस ने जो है स्टीव को क्या बोलो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को जो है इनवाइट किया है क्यों शो पे। तो कहता उसका आंसर भी जो है रात को 12 बजे मिल जाएगा, तो उसकी वीडियो में कल सुबह डाल दूंगा। भाई कैसे हम बातों को शुरू कर लेते हैं रिकॉशेट के साथ। कहता रिकॉशेट ने न्यू रिकॉर्ड बना दिया है जो कि मुझे नहीं लगता कोई तोड़ पाएगा, कि वो रिकॉर्ड है रिकॉशेट जो है वन एंड ओनली जो बंदे हैं WWE में जिन्होंने US टाइटल जीती है, IC टाइटल मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीती है और जीती हमारी जो NXT की नॉर्थ अमेरिकन टाइटल। तो कहते इकलौते बंदे और ये शायद इकलौते आखिरी और पहले ही बंदे हैं जिन्होंने ये जीती है। भाई गाइस आपके क्या थॉट्स हैं रिकॉर्ड पे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। गाइस अब बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। ब्रॉक लेसनर को लेके ये रिपोर्ट निकल के आई है जो उनका जो MSG पे टाइटल डिफेंस था उसको लेके यार एंड टाइम था ना बार बार जो है प्लान्स चेंज किए गए और आखिरी टाइम पर ऑस्टिन थ्योरी को डाला गया, इसलिए जो है उसको लोकली एडवर्टाइज नहीं किया जाया था। भाई गाइस आपके क्या थॉट्स हैं, क्या प्लान सच में चेंज हो गया या रिकॉर्ड फेक है? मुझे तो लगता है यार रिपोर्ट सही है क्योंकि यार प्लान्स के चेंज होने की वाइब्स भी आ रही थी और बाबा जो पॉलीमन कह रहे थे कि मैं तुम्हें टाइटल हरा दूंगा टाइटल हरा दूंगा, बाय द वे टाइटल तो आते नहीं है। भाई गाइस आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में जरूर बता देना। अब गाइस बात कर लेते हैं यार घटिया आदमी के बारे में जो कि रिक फ्लेयर में वो बहुत ही घटिया है। मतलब बेकी लिंच को तो इतना वो ट्रोल करते रहते क्योंकि वो द मैन है और उनका भी कैटफेस द मैन। बाकी गाइस शार्लेट फ्लेयर को लगता है कि एक ना एक दिन जो है रिक फ्लेयर जो WWE रिटर्न कर लेंगे। वैसे शार्लेट फ्लेयर नहीं चाहती वो करे, जो उल्टा सीधा बोले शार्लेट फ्लेयर उनको रोकने की कोशिश करते लेंगे तो वो नहीं रुकते। भाई गाइस आपके क्या थॉट्स क्या उनको देखना चाहोगे? मैं तो बिल्कुल नहीं देखना चाहूंगा। रिक फ्लेयर को है ना इस कंपनी में आने की कोई जरूरत नहीं, कंपनी को खराब मत करो, चाहे वही रहे। भाई गाइस इस वीडियो के लिए अपडेट्स थी, मैं जल्दी मिलता हूँ किसी नए अपडेट। आप तब तक टिके।